हाँ प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं रियोप्टिस का 14 लेक्चर। आज अपन पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा अपना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन स्फेरिकल मिरर। अपन ने प्लेन मिरर के बारे में तो पहले डिस्कस कर लिया है, और थोड़ा सा प्लेन मिरर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर अपन स्फेरिकल मिरर में बात करेंगे। देखो, प्लेन मिरर में अपन ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू मिरर है तो फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इसको अपन ने वेक्टर में लिखा था वी आई माइनस वी एम वी ओ माइनस वी एम। ये अपना वी एम, ये वी ओ, ये वी आई। तो वी आई प्लस वी ओ ट्वाइस ऑफ वी एम, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर। तो ये वी एम इक्वल टू, या वी आई इक्वल टू टू वी एम माइनस वी ओ, ये फॉर्मूला अपन ने यूज किया था उसके अंदर प्लेन मिरर। ये वेक्टर सही ना, लेकिन इसके अंदर कंडीशन थी कि वेलोसिटी और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज है, वो परपेंडिकुलर टू मिरर होनी चाहिए। दूसरा था, अगर मिरर आपका इधर मूव कर रहा है, ये वी ओ है तो ये वी आई, तो इसमें वी ओ इक्वल टू वी आई रहता है। इसमें मिरर की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे मूव इधर करे चाहे इधर करे, इधर रहता है, वी आई इक्वल वी होता है। तो ये दो केस अपन ने प्लेन मिरर में डिस्कस किए थे, और आज अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर में। तो अपन चार केस डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो देखो। इसके अंदर केस फर्स्ट तो ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अलोंग द एक्सिस मूव करेगा, वी ओ अलोंग द एक्सिस, पैरेलल द एक्सिस नहीं, अलोंग द एक्सिस। दूसरा अपन केस डिस्कस करेंगे वी ओ परपेंडिकुलर टू एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। केस थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और फोर्थ केस, फोर ये पैरेलल टू एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है, ये पैरेलल टू एक्सिस है, वी ओ किसी हाइट पर, आपका कोई भी हाइट लिखा होगा वो उसको अपन बता देंगे 2 mm जैसे, इस तरह। ये चार केस अपन डिस्कस करेंगे, इसके अंदर चारों का अपन एग्जांपल लेंगे तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो पहले अपन इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मिरर के अंदर फॉर्मूला था वन बाई यू इजल वन बाई एम। अपन इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको अपन वी माइनस वन यू माइनस वन इजल टू एफ माइनस वन लिख सकते हैं। तो माइनस वन
वी माइनस टू, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स ई पावर एन का, क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन डी वी बाई डी टी प्लस माइनस वन यू माइनस टू डी यू बाई डी टी। और फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है मिरर की, वो टाइम के साथ बदलती नहीं, यू के साथ वी चेंज हो सकता है लेकिन वी के साथ यू चेंज हो सकता है, फोकल लेंथ वही रहती है। तो ये होगा वन बाई वी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो डी वी बाई डी टी ये उधर शिफ्ट कर दो, वी स्क्वायर को ले जाओ ऊपर, वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी। ये अपना, लेकिन ये सारे जो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं अपने, ये यू और वी कहाँ से नापी गई डिस्टेंस, यू और वी सारी डिस्टेंस अपन की मिरर से नापते हैं, मिरर के पोल से नापते हैं। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज कि यू और वी तो पोल से नापी जाएगी थी, यू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब इसको और फॉर्मूले को थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू मिरर है तो अपन इसको क्या लिखेंगे, वी आई माइनस वी एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि तो मिरर है विद रेस्पेक्ट टू, ये की वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये हो गया वी ओ माइनस वी एम। ये तो वेक्टर लगा दीजिए, ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया इस फॉर्मूले पे अपन। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये ओनली अप्लाई व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओनली अप्लाई व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू या अलोंग टू, अलोंग भी हो सकता है कि पैरेलल होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कुछ इसके अंदर। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कुछ, ये आपका मिरर है, सपोज ये रेस्ट में एक बोल, और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कौन की मिरर, और जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस था ना, पैरेलल टू एक्सिस नहीं, अलोंग द एक्सिस है 4 सेमी पर सेकंड से मूव कर रहा है, और मिरर आपका रेस्ट में, तो आपको निकालना है व्हाट इज द इमेज ऑफ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी आई निकालना है। देखो तो सबसे पहले तो अपन को ये यू है तो वी निकालना पड़ेगा, तो वी इक्वल टू क्या होता है, यू एफ माइनस यू माइनस एफ, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वी यू कितना है, माइनस 30 माइनस 20 यू माइनस 30 और
एफ माइनस 20, ये हो गया 600 डिवाइडेड बाय माइनस 10, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो v इक्वल टू माइनस 60। तो इमेज जो बनेगी वो इधर बनेगी, इस जगह इमेज बनेगी, रियल बनेगी क्योंकि v नेगेटिव आ चुका है यहाँ, और ये होगा 60 सेंटीमीटर। अब अपन को क्वेश्चन पे आते हैं कि अपने ओ के साथ v निकाल लिया, आई कहाँ पर है, तो v आई निकालना है, ये जीरो है, इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, तो ये होगा माइनस 60 का स्क्वायर और माइनस 40 का स्क्वायर, वो माइनस 30 का स्क्वायर वी ओ। अच्छा, इधर वाली को वैल्यू को अपन पॉजिटिव माने पहले से, तो इधर वाली नेगेटिव जाएगी, मतलब इधर वाली को पॉजिटिव क्यों हो, वेक्टर है ना, तो ये हो जाएगा आपका इधर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और मिरर की वेलोसिटी इसमें कितनी, जीरो है। तो वी आई ये हो जाएगा 2 4 0 हो जाएगा 4 × 4, क्योंकि 60 को काटोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 60 और ये 32 का स्क्वायर 4 आ जाएगा 4 4, तो आएगा माइनस 16 सेमी पर सेकंड। अब ये माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब ये जो डायरेक्शन होगी वो इस अपोजिट डायरेक्शन होगी, इधर होगी, क्योंकि अपन इसको पॉजिटिव माना है इधर वाले को, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये आपका 16 सेंटीमीटर पर सेकंड दूसरी तरफ जाएगा, मतलब मिरर के सामने से इधर जाएगा। अब इसके इसी में थोड़ा सा अपन चेंज कर दें इसी को, सवाल को, सपोज ये मिरर आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसमें और थोड़ा चेंज कर दिया, क्वेश्चन सेकंड ये हो गया कि इसमें अंदर क्या चेंज किया, कि वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन इनका मिरर की स्पीड और डाल दी इसके अंदर, अब क्या होगा, डाटा ये तो वही रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, इसको अपन देख लेते हैं, देखो कि मिरर भी मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 4 सेमी पर सेकंड अलोंग द एक्सिस। तो वी आई वी एम, वी एम प्लस का है तो ये 3 रहेगा 3, क्योंकि इस डायरेक्शन को अपने पॉजिटिव लिया है, माइनस फिर ये माइनस 60 का स्क्वायर और यू माइनस 30 का स्क्वायर, वी ओ, वी ओ कितना है इस डायरेक्शन में 4 माइनस 3, तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस 4 और ये इंटू 1 हो गया, इक्वल टू वी आई माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, देखो वी आई ये तो आएगा माइनस 4, इधर जाएगा तो प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3, ये वी आई इक्वल टू जाएगा माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो यूनिट है वही सेकंड। तो इस केस में जब इधर होगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अच्छा माइनस में आया तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड अपोजिट ऑब्जेक्ट के अपोजिट हो गया, ये आपका बन चुका। तो पहले वाला जो सवाल दिया था उसमें अपने मिरर को रेस्ट में किया था तो वीएम की वैल्यू 0 रख दी थी, और सेकंड वाले क्वेश्चन में अपने मिरर को मूव करते तो मिरर की वेलोसिटी और डाल दी इसके अंदर। और देखते हैं क्वेश्चन और लेते हैं, कॉन्वेक्स पे ले लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी एफ 20 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट है और इसकी स्पीड मान लो 2 सेमी पर सेकंड और ये कॉन्वेक्स मिरर मूव कर रहा है इधर 4 सेमी पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, जैसे चाहो तू, ये मान लो और ये डिस्टेंस मान लो 20 ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर है
टू सेमी पर सेकंड से मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट भी टू सेमी पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये है। तो सबसे पहले तो अपन को यू के साथ ये तो यू है वी निकालना पड़ेगा, तो वी इक्वल टू यू माइनस 20 एफ प्लस 20, क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ इसी पॉजिटिव हो तो कॉन्वेक्स मिरर, यू माइनस 20 माइनस एफ 20, तो ऊपर तो हो गया माइनस 400 और ये हो जाएगा माइनस 40 10 पॉजिटिव, मतलब इमेज एक्चुअल में इधर ही बनेगी, इमेज इमेज यहाँ पे बनेगी, ये 10 हो गया। अब फॉर्मूले में लगा दो, वी आई माइनस वी एम इसको पॉजिटिव 4 इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर, यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर, वी आर ओ, वी ओ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये माइनस 4, तो ये तो आपका हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आएगा माइनस 4 आएगा और इनटू माइनस 2 वी आई माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का टोटल हो गया 8, तो वी आई, वी आई कितना हो गया पूरा, तो 8 प्लस 4 12, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वो होगी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये मिरर आपको इधर जाती हुई नजर आएगी, इधर पॉजिटिव प्लस में, अगर माइनस में आए तो इधर और प्लस में आए तो इधर, तो ये केस फर्स्ट हुआ जिसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपन बात करते हैं सेकंड केस में, जिसमें ऑब्जेक्ट को अपन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कराएंगे, क्या होता है, ये एफ आपका 20, ऑब्जेक्ट वही 30 सेंटीमीटर पर है, डाटा और भी कुछ भी ले सकते हैं बस अपन को सीखना, और ये ऑब्जेक्ट पर प्रिंसिपल एक्सिस 4 सेमी पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये वी हो गया। तो इस केस में अपना फॉर्मूला होता है अपन जानते हैं एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बटा आई, तो एच आई अपॉन एच आई इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू एच ओ। अब जब इधर मूव करेगा तो आपका यू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि तो इधर आगे पीछे तो सरक ही नहीं रहा ना, ये रेस्ट में नहीं, तो फिर ये रेस्ट में, क्योंकि जिससे ये यू बदले नहीं, ये रेस्ट, तो यू जब आपका कांस्टेंट रहेगा तो वी भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दें अपन विद रेस्पेक्ट टू डी एच आई विद डी टी, तो ये तो कांस्टेंट है, वी अपॉन यू ये होगा डी एच अपॉन डी टी, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इनटू वाई डायरेक्शन, एक तरह का माइनस वी बटा यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी आई लिख देते हैं, लेकिन वाई डायरेक्शन, और वी ओ ये वेलोसिटी ऑफ डी एक्स ओ अपॉन डी टी, मतलब इसकी हाइट में तो फर्क पड़ेगा ना, हाइट इसकी हाइट में चेंज अपॉन इसकी हाइट में चेंज, मतलब इसकी वेलोसिटी, इसको अपन लिखते हैं वी वाई
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। इमेज की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मतलब ये डी एच ओपन डी टी इसका यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हेक्टर। अब देखिए कुछ सवाल को करते हैं इसके अंदर, ये फॉर्मूला याद रखना, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि मिरर को रेस्ट में रखा है क्योंकि इसमें यूआर भी कॉन्स्टेंट है, यूआर भी कॉन्स्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको यू दिया हो तो वी निकालना पड़ेगा, तो वी इक्वल टू यू माइनस 30 यू एफ माइनस 20 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20, तो v आपका आ जाएगा माइनस 600 डिवाइडेड बाय माइनस 10 के प्लस का हो जाएगा माइनस 60, मतलब ये आपकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी 60 पर। अब इसमें फॉर्मूला रखते हैं, v वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन, vy लिख देता हूँ उसको यहाँ पर, समझ जाना, इक्वल टू माइनस वी कितना माइनस 60 यू 30 माइनस 30 और वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये 4 सेमी पर सेकंड प्लस फोर, तो वी वाई इधर लिख देता मैं, वी वाई इक्वल टू माइनस ये तो हो जाएगा 2 कट के और ये 4 माइनस वन प्लस, ये तो ये कितना माइनस 8 माइनस 60 और वो 4 है माइनस, अच्छा माइनस में आया ना ये सेमी पर सेकंड, इसका मतलब है जिस क्षण इसकी वेलोसिटी 4 सेमी पर सेकंड है उस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी स्पीड उस सिस्टम ये चलते समय यहाँ पर, क्योंकि अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है ना 0 कंसीडर की हुई है, बाकी एक दूसरा तरीका और बताऊंगा उसके अंदर, ये हो जाएगा तो इधर डायरेक्शन हो जाएगी और ये हो जाएगी 8 सेमी पर सेकंड इमेज वी आई बाई डायरेक्शन, ये क्योंकि अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को जिस क्षण निकाला है उस टाइम 0 माना है। ये एक सेकंड मेथड और देखते हैं, देखो इसे भी कर सकते हैं, ये आपका एच आई अपॉन एच ओ इजिकल माइनस वी वाई, इसको लिख लो यू एच आई इजिकल टू माइनस वी एच ओ, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यू डी एच आई अपॉन डी टी प्लस एच आई डी यू आई डी टी इक्वल टू माइनस वी डी एच ओ अपॉन डी टी माइनस उभार माइनस, इसलिए एच ओ डी वी वाई डी टी विद रेस्पेक्ट टू टी, क्या फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, फिर यही वही माइनस लगा के फर्स्ट फंक्शन दिस और ये। अब इस यहाँ पे इस ओ, ओ, इसमें एच आई और एच ओ कितना है, ये आपका 0 हो गया, इसमें एच आई भी आपका 0 हो गया, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन के आ गया, वही वापस बन के आ गया, नहीं फॉर्मूला मैन ये, तो ये क्या बन गया डी एच आई अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ अपॉन डी टी, जो अपन फॉर्मूला अभी डायरेक्ट लिखा था वो एक्चुअल में इस तरह आता है, लेकिन इससे है कि अगर एच आई और एच ओ अगर 0 नहीं है तो अपन को ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि एच ओ के हिसाब से फिर एच आई निकालना पड़ेगा, एच आई को भी काम में लेंगे। तो ये था सेकंड केस आपका जिसके अंदर अपने एच आई और एच ओ को 0 लिया, अपन ऐसे भी केस लेंगे जिसमें एच आई एच ओ 0 नहीं होगा, वो एक लेंगे केस में इसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें इंक्लाइन चलेगा, वो थर्ड केस
देखो ये आपका वही ये ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर पर है और ये फोकल लेंथ आपकी वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी स्पीड मान लो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और ये है आपका इसके अंदर 37 डिग्री या 5 कर लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कि प्रिंसिपल एक्सिस से मूव करा उस टर्न उसकी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो आपको दिखाना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी क्योंकि इसके अंदर आगे भी जाएगा इधर भी चल रहा है और ऊपर भी जा रहा है तो आपको VI निकालना है टोटल। तो पहले इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं अपन। तो ये कंपोनेंट जो होगा और एक ही कंपोनेंट होगा एक तो पिंस अलोंग द एक्सिस है और एक ऊपर नहीं है अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर एक्सिस तो ये आएगा 5 सेंट कॉस थीटा और इसकी वैल्यू अपन ने बता रखा है ये होता 4 बाई फाइव और ये हो जाएगा 4 साइन थर्टी सेवन फोर इंटू नहीं फाइव थ्री मतलब इस डायरेक्शन में 3 है इस डायरेक्शन में 4 है। तो पहले तो आपको ये फॉर्म में लगाओ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये लगता है तो VI और ये VM आपका रेस्ट में 0 माइनस अच्छा U अगर आपका U आपका 30 है तो अपन निकाल चुके हैं V कितना होता है इसके अंदर UF माइनस U माइनस F तो अभी अपन इससे पहले वाले सवाल में निकाल चुके हैं ये आता है -60 वैल्यू रख के देख लेना आपका अपना आ जाएगा ये आएगा -30 -20 डिवाइडेड बाय -30 -20 तो आपका -60 मतलब जो इमेज है वो यहाँ पर है 60 पर है। तो VI माइनस V ये हो जाएगा -60 का स्क्वायर -U -30 और VO इधर 4 0 तो ये हो जाएगा -4 × 4 VI तो VI आपका आएगा -16 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी डायरेक्शन में इधर -16 होगा ये इमेज की पोजीशन तो पता लगा लिया वो -16 का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन तो ये तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब थोड़ा सा अपन परपेंडिकुलर बात करें तो अभी इससे पहले फॉर्म में ड्राइव किया ही था इसमें ये एट द मोमेंट इस मोमेंट पर जब 30 पर है ध्यान रखना नहीं आगे टाइम तो बदल जाएगा फिर यू और बी चेंज हो जाएंगे ये उस टाइम है जिस टाइम ये यू की वैल्यू 30 है तो HI यू HI U माइनस HI पर ये HO तो UDHI upon DT plus HI du by DT minus VDHO upon DT minus HO DV by DT इसके लिए तो इसमें आपका HI ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है एक तरह का तो ये तो 0 हो जाएगा और इसमें ये भी 0 हो रहा है क्योंकि HO 0 है तो U आपका है इसके इसमें वैल्यू रखते हैं अपन U है -30 और HI DT निकालना है इसकी स्पीड माइनस वी
सिक्सटी, एच ओ ये है प्लस थ्री, तो आपका डी एच आई अपॉन डी टी ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस सिक्सटी डिवाइडेड माइनस थर्टी इंटू प्लस थ्री, तो माइनस माइनस कैंसिल टू आएगा, तो ये मेरे हिसाब से माइनस माइनस कैंसिल टू और थ्री माइनस सिक्स सेमी पर सेकंड, माइनस का है प्लस का है, प्लस का है माइनस का है, तो माइनस का मतलब इधर छः सेमी पर सेकंड। तो फाइनल जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी एट द मोमेंट जिस टाइम 30 और उस टाइम उसकी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ये माइनस सिक्सटीन आई माइनस सिक्स जे, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इस तरह निकाल लो, वेक्टर फॉर्म में ये होगी और मैग्नीट्यूड होगा, तो ये आपका केस थर्ड होगा। अब केस फोर की अपन बारे बात करें जिसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, उसमें हाइट भी होगी, ये F 20, ये ऑब्जेक्ट को अपन 30 पर रखते हैं, वही लेकिन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर की हाइट पर है, 3 mm, और इसकी स्पीड है ये रेस्ट में 2 सेमी पर सेकंड, मतलब ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट से ऊपर है और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, हाइट ऑलरेडी गिवन है, मतलब हाइट इसमें दी हुई है, तो वो जो डी एच ओ अपन जीरो कर रहे थे वो जीरो नहीं होगा, एच इसमें आएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज ये देखी कि एच ओ जब ये इधर मूव कर रहा है तो एच ओ चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, एच ओ कॉन्स्टेंट है, और यू भी चेंज हो रहे हैं, तो एच ओ कॉन्स्टेंट होने से एच आई कॉन्स्टेंट नहीं रहे, क्योंकि एच आई इज इक्वल टू होता है माइनस वी बटा यू इंटू एच ओ, तो ये तो कांस्टेंट है लेकिन यहाँ बी और यू चेंज हो रहा है तो एच आई तो चेंज होगा ना, बी ओ बी एच ओ तो कांस्टेंट हुआ, तो पहले तो अपन अलोंग द ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, वी आई माइनस वी एम, वी एम जीरो माइनस, इसको मैंने वैल्यू निकाल चुका हूँ, वी कितना आता है इसका, यू एफ यू कितना है माइनस 30, एफ माइनस 20 माइनस 30 माइनस 20, तो ये आता है वी इजिकल टू माइनस 60। ये अपन बार बार उसी एग्जांपल को इसलिए ले रहे हैं कि कम से कम ये डाटा तो अपने वही रहे, अपन को चेंज करो, माइनस 60 और ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 30 माइनस का, और वी ओ ऑब्जेक्ट है 2 और ये जी, तो वी आई कितना आ रहा है, ये तो आ गया माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 सेमी पर सेकंड। अब इस केस में अपन को ये देखना पड़ेगा कि एच ओ दिया है ना, तो अपन को एच आई वी निकालना पड़ेगा, किस पर्टिकुलर एच ओ के लिए एच आई वी होगा, ये तो
वी आ गया, ये आ गया इमेज वैल्यू। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं एच आई कितना, एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी वाई यू। तो एच आई एच ओ कितना है प्लस थ्री माइनस वी माइनस सिक्सटी माइनस थर्टी, तो माइनस माइनस कैंसिल होगी माइनस रह जाएगा, तो एच आई हो जाएगा आपका माइनस टू माइनस सिक्स। तो आपका एच ओ जब तीन होगा तो ये आपका सिक्स होगा नीचे छह, तो नेगेटिव आएगा। इसको थोड़ा इधर लेते दो आएगा, तो ये एच आई माइनस सिक्स। अब अपन बात करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस टाइम यहाँ पे तीन पे है, जबकि ये यहाँ पर है एक्चुअल में इस टाइम ये पॉइंट जो है वो तीन के यहाँ पर है, तो इसके इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में माइनस एट है, एट ये छः सेंटीमीटर पर इस पॉइंट की, वो पॉइंट ये। अब इसके अपन ये और देखते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब एच ओ एच आई आपका जीरो नहीं हो रहा, एच ओ भी है और एच आई भी है, तो एच यू एच आई इंटू यू बराबर माइनस वी एच ओ, तो एच आई अपन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी वाई यू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर अपन डी एच आई अपन डी टी यू प्लस यू डी एच आई डी यू वाई डी टी माइनस वी डी एच नॉट अपॉन डी टी माइनस एच ओ डी वी वाई डी टी। देखो इसमें आपका जो डी एच ओ है ना ये जीरो जाएगा, एच ओ जीरो नहीं है, डी एच ओ जीरो है क्योंकि ये तो हाइट तीन ही रहेगी ना, ये तो तीन ही रहेगी। अब देखते हो वेलू यू कितना है सर माइनस थर्टी, डी एच आई बन डी टी अपन को निकालना है एक तरफ बी वाई प्लस एच आई एच आई आपका आएगा माइनस सिक्स और डी ओपन डी टी ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी प्लस टू डी वाई डी टी। ये आपका जीरो क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि इसमें आपका जब ये मूव कर रहा है तो एच ओ तो कांस्टेंट है लेकिन एच आई तो चेंज होगा ना, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो इस हिसाब से, लेकिन ये क्या है कि एच आई आप पे ये अगर कांस्टेंट है तो बी और यू तो चेंज हो ही रहा है ना उस हिसाब से, तो इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं वैल्यू रखने के लिए जिससे थोड़ा सा ध्यान रख क्या रखा अपना। तो ये तो हो गया यू माइनस थर्टी, ये वी वाई निकाल रहे हैं एक तरह का, इसकी वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर एक्सिस, ये एच आई आपका माइनस सिक्स है डी ओ बाई प्लस टू माइनस ये जीरो हो गया, और एच ओ एच ओ कितना निकाला था थ्री, और डी वी बाई डी टी इमेज की वेलोसिटी कितनी निकली थी अभी से पहले निकाली थी, डी वी बाई डी टी अपने अभी नहीं निकाली क्या वेलोसिटी ऑफ वी आई डी वी वाई डी टी कितनी निकाली थी, चलो उसको एक बार देख लेते हैं कितना निकाला था मेरे को, हाँ ये रहा ना डी वाई माइनस एट, वही वेलोसिटी ऑफ इमेज डी वी वाई डी टी डी वी माइनस एट, और एच ओ
आपका, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 8 है, सही है। तो देख लो बस, कर लो कितना होगा, तो हो गया सवाल सिंपल। माइनस 30 वी वाई, ये क्या माइनस है 24, और ये हो गया आपका प्लस 12, क्यों मान मारा तो प्लस उधर जाएगा 12 जाएगा, तो वी वाई इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय माइनस 30, क्योंकि इधर ले गए इसको, तो ये हो गया माइनस 6.5, माइनस 5 से 6 से काट गया 6.5, तो इस डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन होगी इसकी, इस टर्म होगी, अच्छा नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा तो ये हो गया 6.5, तो ये हो जाएगा 6.5 इधर। तो इसमें मैंने एच और एच आई को कंसीडर कर लिया है इस, तो टोटल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज ही होगी माइनस 8i माइनस 6.5g, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो अपने चारों केसेस ले लिया इसके अंदर, डी एच ओपन डी टी समझ में आ गया होगा, क्यों लिखा कि एच ओ तो कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन डी एच आई डी टी ये जीरो नहीं होगा, जनरली यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कि ध्यान रखना। तो डी एच आई ओपन डी टी निकालना है, एच आई अपन को पता है, एच ओ पता है, यू पता है, डी यू वाई डी टी अपन दिया हुआ है, डी वाई डी और ये डी वाई डी टी अपन उससे निकाल लिया है पहले, डी वाई डी टी निकाला। तो ये आपका टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बच्चों आगे का जो टॉपिक अपने स्टार्ट होंगे वो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू।